विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से जीत हासिल कर भाजपा ने सरकार बनाई है और हाल ही में प्रदेश की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ली है। वहीं डिप्टी सीएम के तौर पर अरुण साव और विजय शर्मा ने शपथ लेकर अपना पदभार संभाला है और अब कार्यभार संभालने के बाद पहली बार विजय शर्मा अपने गृहग्राम पहुंचे, जिसके पहले वे बेमेतरा भी गए। विजय शर्मा छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार अपने गृहग्राम कवर्धा पहुंचे, जहां लोगों ने भारी मात्रा में एकत्रित होकर रैली निकाली और उनका भव्य स्वागत किया। साथ ही कवर्धा जाते हुए वह बेमेतरा भी पहुंचे। बेमेतरा नगर में पहुंचे विजय शर्मा का सिग्नल चौक कोम्बिया अमरिया चौक में भव्य स्वागत किया। साथ ही लोगों ने आरती उतारकर और तिलक लगाकर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इसी के साथ वहां के लोगों ने उनके डिप्टी सीएम बनने पर खुशी जताई। वहीं विजय शर्मा ने सारे कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन किया। कार्यकर्ताओं के चेहरे पर खुशी दिखती है, चेहरे पर चमक दिख रहा है। ये भाजपा की सरकार कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके बनाई है। आप शपथ ग्रहण समारोह के दिन देखें, लाखों कार्यकर्ता उपस्थित थे उस दिन। क्या रौनक थी वहाँ पर, वो सिर्फ इसलिए कि गांव-गांव के कार्यकर्ताओं ने, शहर के कोने कोने के कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके पसीना बहाकर अपनी सरकार बनाई है। सारे कार्यकर्ताओं का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। मैं उप मुख्यमंत्री बनकर आया हूँ, ये बहुत बड़ा विषय नहीं है। बड़ा विषय यही है कि कार्यकर्ताओं को प्रणाम करने का मुझे अवसर मिल गया, कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करने का मुझे अवसर मिल गया। पूरे कार्यकर्ता और सभी यहाँ के जो नागरिक हैं उनका अभिनंदन किए, वंदन किए। हम लोग के लिए खुशी की बात है कि हमारे कवर्धा के जो हमारे जमीनी कार्यकर्ता थे, भाई विजय शर्मा जी जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, आज उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। हमारे बेमेतरा क्षेत्र के लिए और कवर्धा क्षेत्र के लिए, आसपास छत्तीसगढ़ के लिए पूरे गौरव का विषय है। इसलिए सभी लोगों ने स्वागत किया, वंदन किया, अभिनंदन किया और आगे भी हम लोग जनवरी में एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे जिसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को दोनों बुलाकर एक नागरिक अभिनंदन का कार्यक्रम करेंगे, उस समय भव्य एक कार्यक्रम किया जाएगा। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे सरोमे टाइम्स के साथ। मैं था आपके साथ नारायण पांडे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।